छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर नक्सल मुठभेड़ को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। रमन सिंह ने कहा, इतनी बड़ी नक्सली घटना के बाद भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम चुनाव से फुर्सत नहीं है। यहां जवानों को लाया जा रहा है, वहां सीएम रैलियां निकालकर वोट मांग रहे हैं। महाराष्ट्र से ज्यादा गैर जिम्मेदारी का काम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा, रोम जल रहा है और नीरो बंशी बजा रहा है जैसा आलम है। उन्होंने कहा, मैं सीएम होता तो 3000 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी सारे काम स्थगित कर बीजापुर जाता, कैबिनेट की बैठक बुलाता और कार्य योजना बनाता। छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री को बीजापुर जाना जरूरी नहीं लगा। मुख्यमंत्री चुनावी अभियान में लगे हैं, शाम 5 बजे प्रचार खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। इतना असंवेदनशील मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। रमन सिंह ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर भी भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ में कोरोना की भयावह स्थिति है। छत्तीसगढ़ आंकड़ों के हिसाब से देश में दूसरे नंबर पर है, लेकिन आबादी के हिसाब से पूरे देश में पहले नंबर पर है। राजधानी में कोरोना की स्थिति बदतर होती जा रही है, वहीं रायपुर में किसी भी अस्पताल में बेड नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं, आईसीयू में जगह नहीं है। इस स्थिति के लिए जवाबदार कौन है? ये सरकार पूरी तरह से फेल रही है, लेकिन इस सरकार में कोई जवाबदार व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री अभी भी प्रचार छोड़कर नहीं आ पा रहे हैं। कोविड के मरीजों की व्यवस्था कैसे करें, इसकी चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री चुनावी अभियान में लगे हैं, शाम 5 बजे प्रचार खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने उम्मीद करना छोड़ दिया है। और ऐसे सरकार से उम्मीद करना भी लोगों ने छोड़ दिया है। अब उम्मीद भी नहीं करते। मैं कहता हूं कि हम खुद कोरोना से लड़ने के लिए अपनी तैयारी करें, खुद वैक्सीनेशन लगाए, ज्यादा से ज्यादा हम मास्क लगा कर रहें, 2 गज की दूरी का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के साथ साथ ये सुरक्षा उपाय हम खुद करें। सरकार के भरोसे को रहेगा तो ये स्थिति जो छत्तीसगढ़ की हो रही है दिन ब दिन और खराब होता जाए। आज एक स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति खराब होती जा रही है और छत्तीसगढ़ में आज उपलब्धता की दृष्टि से देखा जाए, ये स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान है कि आईसीयू में जगह नहीं है। मैं कल और आज से लगातार 2-3 दिनों से रायपुर के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल, सभी सरकारी हॉस्पिटल, एम्स से लेकर अन्य हॉस्पिटल सब में पता लगाया रहा कि एक वेंटिलेटर वाला बेड मिल जाएगा क्या। एक राजनांदगांव का पेशेंट आया था, किसी प्राइवेट किसी सरकारी अस्पताल में 10 जगह फोन लगाने के बाद, और मैं फोन लगा रहा हूँ एक जवाबदारी के साथ, उस व्यक्ति को बिस्तर उपलब्ध नहीं हो पाया। ये स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में है। राजनांदगांव 23 लोगों की मौत हो गई, कहीं आंकड़े आते 27 के, कहीं आंकड़े आते 29 के। इतने जवानों की शहादत हुई है, ये आंकड़े शाम तक और पूरी तरीके से निश्चित हो जाएंगे और 30 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आज इस परिस्थिति में जब छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा अटैक होता है, इतना घोर हमारे कोविड का संकट होता है, दुर्ग और भिलाई में जिस प्रकार की मौत के आंकड़े आ रहे हैं, रायपुर में मौत के आंकड़े आ रहे हैं, ये अपने आप में डरावना है। शमशान घाट में जलाने की, शव जलाने की जगह नहीं है, मर्चरी में बॉडी रखने की जगह नहीं है, और आज इस परिस्थिति को लेकर भी कोई जवाबदार व्यक्ति छत्तीसगढ़ में मौजूद नहीं है जो जवाबदारी के साथ बात करे। मुख्यमंत्री असम चुनाव में व्यस्त, रूम जल रहा है और नीलो बांसुरी बजा रहा है, रैलियां कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, वहां डांस कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद, इतना बड़ा संकट आने के बाद, ये जब मालूम हो जाता है कि 23 जवान की शहादत हो गई, मुख्यमंत्री ने जरूरत नहीं समझा कि बीजापुर में जाके उन जवानों को, उन पुलिस के लोगों को सांत्वना दें, उनके परिवार वालों को संदेश भेजें, घायलों को चिंता करें और देखने की चिंता करें
मुख्यमंत्री को चुनाव असम उनकी प्राथमिकता हो गई है। छत्तीसगढ़ के उस बड़ी घटना में घटना होने के बाद भी ये चिंता नहीं है कि उन परिवारों को जो आज शहादत हुए, शहीद हुए हैं, उनके लिए कोई दो शब्द बोले और बात करें। आज भी जब इतनी बड़ी घटना हो गई, जवानों के शव लाए जा रहे हैं, वहां रैलियां चल रही है। ये आश्चर्य होता है, हिंदुस्तान में किसी राज्य में कब मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन नहीं हो सकता।